सिमडेगा में देश के भविष्य युवाओं में गजब का जोश देखने को मिल रहा है। जी हाँ, किसी अनुशासित टीम की तरह युवा जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। इनकी निष्ठा और समर्पण को दर्शाती इस रिपोर्ट को देखिए। मैदान में पसीना बहा रहे देश के भविष्य, सेना में जाकर करना चाहते हैं देश की सेवा, जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं ये युवा। सुबह सुबह मैदान में पसीना बहा रहे युवा जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, देश की सेवा से जुड़कर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। इन युवाओं की मेहनत देखते ही बनती है, जो किसी अनुशासित टीम की तरह मेहनत करते नजर आ रहे हैं। टीम के मेंटोर रवि साहनी खुद इनके साथ पसीना बहाते नजर आते हैं। डिफेंस सेवा में जाने के लिए बेहतर तरीके से बच्चों को तैयारी देते हैं, जिसमें बच्चों को फिजिकल, रिटेन और मेडिकल की सुविधा दी जाती है। यहाँ पे बच्चों को हर प्रकार से तैयार किया जाता है, जिससे बच्चे जो है जल्द से जल्द रक्षा सेवा में बहाल हो सके। क्या जंगल, क्या नदी और क्या पहाड़, युवा अपनी क्षमता को रोज परखते हैं। इन युवाओं की मेहनत और जज्बे को देख अन्य बच्चों का भी मनोबल बढ़ रहा है। इनमें से कुछ युवाओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता भी हासिल की है। पूरी से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा मेहनत करवा के उनको जल्द से जल्द जो है रक्षा सेवा में बहाल कर सके। हमारे एमकेएस से अभी 4 बच्चे जो है एसएससी जीडी के पहले रिटन एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, फिर उन्होंने फिजिकल एग्जाम भी क्वालिफाई कर चुका है, बस उनका मेडिकल बचा हुआ है। बहरहाल पिछड़े इलाकों से आने वाले ये युवा अपनी मेहनत और जज्बे से कुछ कर दिखाना चाहते हैं और जिले का नाम रोशन करना चाहते हैं। युवाओं की जीतोड़ मेहनत इनकी सफलता की कुंजी बनने वाली है। न्यूज 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष शास्त्री की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।